आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम मकरम। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया गया है और इतिहास के पन्नों में दर्ज इसलिए किया गया है क्योंकि आज पहली बार इतिहास में किसी एक्ट्रेस के खिलाफ और पत्रकार के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में बिल प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव क्यों पास किया गया है इसके बारे में आप तमाम रिपोर्ट्स देख चुके हैं क्योंकि आज विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके एक प्रस्ताव पास किया गया जो लगातार सरकार के खिलाफ और महाराष्ट्र के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। कंगना रनौत ने जिस तरीके से बयानबाजी की और कंगना रनौत के समर्थन में उतरे अर्णब गोस्वामी ने जिस तरीके की बदतमीजी महाराष्ट्र सरकार में बैठे नुमाइंदों के साथ की, इसकी चर्चा लगातार की जा रही थी। पर आज विशेष सदन बुलाई गई महाराष्ट्र विधानसभा में और महाराष्ट्र विधानसभा में इन लोगों के खिलाफ बिल पास किया गया है। पर इस बिल में सबसे जो अहम किरदार था वो था अबू आसिम आजमी का। अबू आसिम आजमी का बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ आज अर्णब गोस्वामी और कंगना रनौत के बारे में अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा है उसके ऊपर नजर डाल लीजिए। फिर आज महाराष्ट्र सदन में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, ये देश इस देश में हजारों सालों से गंगा जमुनी तहजीब चल रही है। देखिए अध्यक्ष महोदय, अर्णब गोस्वामी जैसे सरकार के तलवे चाटने वाले जो सरकार के सामने घुटने टेककर कुत्ते की तरह से चंद सिक्कों पर बिकने वाले ऐसे जर्नलिस्ट लोग, मैं कहना चाहता हूँ हमारे विरोधी दल नेता फडणवीस साहब बैठे हैं, हमारे विरोधी दल नेता, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि अर्णब गोस्वामी जैसे ये जर्नलिस्टों ने कभी इस देश के अंदर तबलीगी जमात के ऊपर जबरदस्ती तबलीगी जमात को कोरोना बढ़ाने वाला कहा और कई दिनों तक कई महीनों तक ये लोग तबलीगी जमात को कोरोना बढ़ाने वाले कह करके इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश किया और उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। तबलीगी जमात ने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या आप इतने लोग बैठे हो आपको शर्म नहीं आती? आप बोलने को नहीं तैयार होते? तबलीगी जमात वो जमात है जो इस देश के अंदर इंसानियत सिखाती है और ये कोर्ट ने कह दिया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। मैं मांग करता हूं अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों को उस कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाए और उसकी जगह जेल में होना चाहिए। उसकी हिम्मत क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री को इस तरह से बात करता है जैसे कोई गुंडा मवाली बात करता हो। मैं हक भंग का सपोर्ट करने खड़ा हुआ हूं और निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। ये एक कंगना राउत है, कंगना रनौत, और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कही कि इस्लामिक बात करती है तू, इस्लाम के बारे में बात कर रही हो? फिल्म लाइन से इस्लाम का क्या लेना देना है? अगर तुम कहती खान ब्रदर तो मैं कुछ नहीं बोलता, तुमने इस्लामिक वर्चस्व की बात किया है। मैं मांग करता हूँ गृह मंत्री से ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की सरजमीन पर रहने का कोई हक नहीं है, कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में, हमारे महाराष्ट्र के बारे में ये गलत बातें करते हैं वो लोग जो रोजी रोटी यहाँ कमाते हैं, वो लोग इस तरह की बात करेंगे हमारे जैसे लोग कभी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मांग करता हूँ कि ये अर्णब गोस्वामी पर, कंगना रनौत पर और ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अबू आसिम आजमी के बयान को सुना और अब महाराष्ट्र विधानसभा में क्या कुछ हुआ है उसके ऊपर भी नजर डाल लीजिए। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दाखिल किया गया है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ ये प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव रखने के बाद विधानसभा में हंगामा हो गया और आधे घंटे के लिए काम रोक दिया गया। विधानसभा ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सदन जल्द ही
कार्रवाई शुरू कर सकता है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग परिवहन मंत्री अनिल परब ने की है। अनिल परब ने कहा कि अगर कोई पत्रकार के खिलाफ कुछ बात करे या फिर उन्हें हाथ लगाए तो इस विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया गया था, पर कोई पत्रकार ही किसी जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ कहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। प्रताप सरनाइक ने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद यादव के खिलाफ अर्णब गोस्वामी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसकी मैं निंदा करता हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास हुआ है। अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल परब ने अर्णब गोस्वामी के बारे में कहा, अर्णब को लगता है कि वो खुद ही जज हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ उन्होंने तू तड़ाक वाली शैली में बात की है। इस सदन को जिस तरह से पत्रकारों की सुरक्षा का कानून पास करने का अधिकार है, उसी तरह से किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार है। अनिल परब कहते हैं कि अगर किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना भाषा का इस्तेमाल किया तो उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना भरे बयान पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को कोई कुछ बोले तो आपको गुस्सा आता है, पर अगर कोई मुख्यमंत्री को बोले तो आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? सुपारी लेने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अन्वय नायक मामले में अर्णब गोस्वामी की जांच होगी। अन्वय नायक एक मराठी इंटीरियर डिजाइनर थे जिन्होंने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले लिखे अपने खत में उन्होंने आरोप लगाया था कि अर्णब गोस्वामी ने रिपब्लिक नेटवर्क के स्टूडियो का इंटीरियर डिजाइन कराने के बाद भुगतान नहीं किया था। अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा, अन्वय नायक की पत्नी और बेटी ने मेरे पास आकर अर्णब गोस्वामी की शिकायत की है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस अर्णब गोस्वामी के खिलाफ जांच करेगी। अन्वय नायक की पत्नी अक्षता नायक और बेटी प्रज्ञा नायक की शिकायतों के आधार पर ही जांच होगी। महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिनों पहले जस्टिस फॉर अन्वय का हैशटैग भी खूब प्रचलित हुआ था। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी शिवसेना ने आड़े हाथों लिया है और प्रस्ताव को रामराजे नायक ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, मैंने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, इसके लिए समिति ना होने की वजह से मैं ही आज प्रस्ताव पर फैसला करने जा रहा हूं। संसदीय मामलों के मंत्री ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बीच दलील दी कि पीएम मोदी पर टिप्पणी करने पर बीजेपी आक्रामक हो जाती है, तो फिर मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने पर आक्रामक क्यों ना हो। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओकी से की थी। कंगना ने ट्विटर पर लिखा था, संजय राउत ने मुझे खुलेआम धमकी दी है और मुंबई नहीं आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आजादी के भित्ति चित्र और अब खुली धमकी, मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज विशेषाधिकार हनन का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव जो है कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ पास कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी भक्ति में लीन अर्णब गोस्वामी और कंगना रनौत लगातार एक दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इसी को लेकर के आज महाराष्ट्र सदन में एक बड़ा हंगामा मचा और इस हंगामे ने यकीनन कंगना रनौत की नींदे और अर्णब गोस्वामी की नींदे उड़ा दी हैं और इससे बच पाना अब इन दोनों के लिए नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि ड्रग्स के मामले में जिस तरीके से बॉलीवुड पर कीचड़ उछालने वाली कंगना रनौत ने कीचड़ उछाली और मोदी भक्ति की तारीफ की, उसमें अब वो खुद फंस गई हैं और विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कंगना रनौत की ड्रग्स को लेकर के क्या चाल थी और किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कब कब क्या क्या किया, उसको विस्तार से लोगों के सामने रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। एक केस में जिस तरीके से उन्होंने मजबूर किया किसी को आत्महत्या के लिए, तो आत्महत्या को लेकर के जिस तरीके से गुत्थियों को उलझाने की कोशिश की गई, पर सुशांत सिंह राजपूत दुनिया से चले गए, पर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर राजनीति एक अखाड़ा बन गया
गया है और इस अखाड़े को लगातार जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है इस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। मैं ऐसी ही रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।